डी न्यूज द बीच युवा की दास्ता में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं पत्थरों पर रहे वार्ड सदस्य ललिता सोरेन के पति माननीय मुंशी टुड्डू उर्फ मोहन टुड्डू हैं, जो पिछले बार भी वार्ड नंबर 14 से मेंबर रहे। और हम सीधे चलते हैं उसके पास और बात करते हैं कि आखिर 5 साल जो काम किए, किस तरह से जनता का सेवा किए, और इस बार भी वो प्रत्याशी के रूप में हैं और जनता के लिए क्या सेवा करेंगे। मोहन जी, पीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्वागत है। आप जो पिछले 5 साल वार्ड नंबर 14 से मेंबर के रूप में कार्य किए, तो जनता आपके बारे में क्या सोचती है, आपने किस तरह कार्य किया? 5 साल में तो जहाँ तक काम बहुत सही ढंग से किए हैं, जनता के सेवा में हमेशा सुबह शाम जब भी कोई काम होता था हम हमेशा लगे रहते थे। जैसे आपका कोई यहाँ पे पेंशनधारी का काम हो, या फिर बूढ़ा पेंशन, विधवा पेंशन, या लक्ष्मीबाई, कोई भी पेंशन का काम हो तो हम वो जो है बढ़ चढ़ के लगा करके अपना जो है काम करवा देते थे पेंशन के काम में। इस प्रकार का कई और काम था, क्योंकि काम 5 साल में देखा जाए, गिना जाए, तो आज यहाँ पे 5 साल के दरमियान में ज़्यादा वार्ड भी बड़ा नहीं है। यहाँ से लगभग 600 से 700 की जनसंख्या की आबादी है। तो यहाँ पे जो है पिछले 5 साल में लगभग 4 या 5 इंदिरा आवास का सेंक्शन किया गया था, जो कि पिछले आपका उधर 2010-11 में ही आदिवासी को आरक्षण के रूप कोटा से ही आवास प्राप्त हो चुका था। इंदिरा आवास के जब प्रधानमंत्री आवास बना तब हमने 4-5 आवास दिलाने का काम किया। तो और एक चीज़ है आपसे, जैसे कि आपने बहुत सारे आदमी को, 4-5 आदमी को आपने इंदिरा आवास दिलाया, तो उस वो लोग का जो मन है, वो आप लोग के प्रति क्या है, आपके प्रति इस बार भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो आप लोग आपको दोबारा समर्थन देंगे? जी, एकदम समर्थन देंगे। वो लोग दिल खोल के अपना समर्थन दे रहे हैं, जगह जगह पे चर्चा भी कर रहे हैं कि 5 साल जो सेवा किया उसके दरमियान में मेरा भूतपूर्व जो ललिता सोरेन उपमोहन टुडू जो हैं उसका पति, वही इस बार भी चुनाव। मोहन जी, यानी कि आप जो 5 साल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का योजना चलाया शराबबंदी, ये कहाँ तक आपके गांव में, आपके वार्ड में चला, कहाँ तक बंद है? शराबबंदी तो मुख्यमंत्री जो धरातल पे बंद करने का ही एक कानून बनाया, तो इसमें जो है अपना वार्ड में जहाँ तक मेरा प्रयास और कोशिश रहा मुख्यमंत्री का ये शराबबंदी का, तो बहुत प्रयास किए, शराब बंद होना चाहिए, हम भी इसका विरोध करते हैं, लेकिन अभी तक हमको लगता है गांव में पूर्णतः शराब बंद है। हो सकता है मेरे नज़र से बाहर हो सकता है, लेकिन बंद है, शराब तो बंद है। तो मोहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पीडी न्यूज़ से आपकी बात अच्छी लगी, ठीक है। और आपको पीडी न्यूज़ दबी जुबा की दास्ता की जो महापरिवार है उसके तरफ से आपको जीत की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और यदि आप जीतते हैं तो जनता के बीच में आप जितोड़ मेहनत कीजिए और उनका हमेशा सहयोग कीजिए। नमस्कार। मोहन जी, यदि जनता आपको इस बार पूर्ण बहुमत से आपको यदि जिताती है, तो आप जनता के लिए क्या करेंगे और किस माध्यम से आप काम करेंगे? देखिए, इस बार मेरा सोच बन गया है कि अगर इस बार हम बाद में फिर से जनता हमें चुन के भेजती है और पूर्ण बहुमत से हम अगर जीतते हैं, तो हम मेरा यही सोच है अभी कि जो भी काम तो अधूरा पड़ा हुआ है वो काम तो हम धरातल पे ला के खड़ा कर देंगे और काम 100% करेंगे। सामाजिक कार्य में भी हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, काम करेंगे, और प्रत्येक घर, मेरे यहाँ लगभग जो भी घर है, 150-200 जो भी घर है, प्रत्येक घर में जा के हम पूछेंगे कि आपका क्या समस्या है, जैसे पेंशन हुआ, आपका जो है आवास हुआ, आपका ये राशन हुआ, जो भी प्रॉब्लम होगा, मैं घर घर जा कर के, प्रत्येक घर पर, घर परिवार पे जा कर के मैं उसका काम को अंजाम देंगे और वो उस काम के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। ऐसा मेरा सोच है कि प्रत्येक परिवार में जा कर हम काम करेंगे।